आज अपन चर्चा करेंगे प्राथमिक व्यवसायों के बारे में। आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विस्तार। आर्थिक क्रियाओं से आशय मनुष्य के उन कार्यों से है जिनसे विविध वस्तुओं के मूल्य या स्वरूप में वृद्धि होती है तथा उनमें मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि उनके रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन और अधिकार से होता है। मनुष्य के तीन आधारभूत शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएं मानी गई है जिनके अभाव में जीवन दुष्कर हो जाता है। वायु और जल के अतिरिक्त ये तीन आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आश्रय। मानव की आधारभूत आवश्यकताएं जिसमें पहली भोजन है, दूसरा वस्त्र है, तीसरा आश्रय है। भोजन शरीर की शक्ति बनाए रखने, उसके पोषण, वृद्धि और स्फूर्ति प्राप्ति के लिए किया जाता है। वस्त्र जो पहने जाते हैं जलवायु संबंधी विषम परिस्थितियों से शरीर की रक्षा के लिए इनका उपयोग होता है। आश्रय शरीर की रक्षा, विश्राम, निद्रा तथा शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मानव के व्यवसायों का वर्गीकरण। उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को तीन श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय जिसको अपन कहते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। दूसरा आता है गौण उत्पादन संबंधी व्यवसाय जिसको कहते हैं अपन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तृतीय उत्पादन संबंधी व्यवसाय टेरिटरी ऑक्यूपेशन। प्राथमिक उत्पादन संबंधी व्यवसाय में प्राथमिक या प्रारंभिक व्यवसाय में मानव प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपभोग करता है। कृषि कार्य में मिट्टी का प्रत्यक्ष उपयोग फसल उगाने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से जल से मछली पकड़ना, खानों से खनिज निकालना, वनों से लकड़ी काटना व फलीकृत करना, पशुओं से ऊन, चमड़ा, बाल, खाले, हड्डियां आदि प्राप्त करना प्राथमिक व्यवसाय उत्पादन। इनसे संबंधित उद्योगों को प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है, जैसे कृषि करना, खाने खोदना, मछली पकड़ना, आखेट करना, वस्तुओं का संचय करना या वन संबंधी अन्य उद्योग आदि। दूसरा आता है गौण उत्पादन संबंधी व्यवसाय। इसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का प्रत्यक्ष उपभोग ना करके उनको साफ, परिष्कृत अथवा उनका रूप परिवर्तित कर उपभोग योग्य बनाया जाता है। इससे इनमें मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे लोहे को गलाकर इस्पात से यंत्र या अन्य वस्तुओं का निर्माण करना, गेहूँ से आटा अथवा मैदा तैयार करना, कपास, ऊन, रेशम से कपड़ा तैयार करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज बनाना आदि। इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योगों को गौण व्यवसाय कहा जाता है। गौण व्यवसाय की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, इस प्रकार के व्यवसाय में कच्चा माल प्राथमिक उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, अतः ये क्रिया प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। दूसरी विशेषता है, इस कच्चे माल को परिष्कृत या संशोधित करने के लिए शक्ति का उपयोग किया जाता है। तीसरा, मानव क्रिया उसके मस्तिष्क का उपभोग उनके विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। चौथा आता है, गौण उत्पादन व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी की भी आवश्यकता होती है, साथ ही बड़े बड़े कारखाने और मनुष्य के रूप में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पाँचवा और आखिरी, गौण उत्पादन व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उपभोग अधिक समय तक किया जा सकता है तथा उसका उपभोग दूसरे स्थान पर भी किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के जो व्यवसाय आते हैं उसको तृतीयक उत्पादन व्यवसाय कहते हैं। इस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत वे सभी व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं जो प्राथमिक या गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित है। इस प्रकार के व्यवसाय के अंतर्गत स्थानांतरण, संचार और संवाद, वाहन सेवाएँ, वितरण एवं संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएँ जैसे व्यापारी, दलाल, पूंजीपति आदि को सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर जीन गोटमैन ने केवल प्रत्यक्ष सेवाओं को ही तृतीयक व्यवसाय में सम्मिलित किया। उनके अनुसार प्रत्यक्ष सेवाएं चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। इस दृष्टि से शिक्षण, नेतागिरी, अनुसंधान आदि कार्य चतुर्थक व्यवसाय। ओके।